हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल का ये पार्ट वन है। इस वीडियो से हम लोग रेमिंगटन गेल की टाइपिंग का लर्निंग अभ्यास को कवर करेंगे। आपको हमारे चैनल पर हिंदी टाइपिंग कई फॉन्ट में चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाकर उसे भी सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हम लोग दो बेसिक टॉपिक पर देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं टाइपिंग को सीखने से पहले। ये है फिंगर नेम। फिंगर नेम का रिक्वायरमेंट बस ये है कि हम आपको जब होम की का स्टैंड बताएंगे कि कौन से फिंगर कहाँ पर रखी जाएगी तो इन नाम की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी करेक्टर को प्रेस करने के लिए भी कौन सा फिंगर यूज़ होगी उसमें भी हम इन नाम का जिक्र करेंगे। तो आपको ये लर्न होने चाहिए, इस वजह से आपके साथ इनका डिस्कशन किया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इन्हें बार बार देख कर लर्न कर सकें। दूसरा टॉपिक है कीबोर्ड का लेआउट। कीबोर्ड का लेआउट आपको एक सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसमें बैक स्पेस और इंटर की आपको सेम साइज़ की दिख रही है। अगर बैक स्पेस की आपको किसी कीबोर्ड में छोटा मिलेगा तो उस कंडीशन में बैक स्पेस के नीचे वाले की बैक स्पेस के लेफ्ट में आ जाएगी और इंटर की अपर रो और मिडिल रो को कवर कर लेगा। वो कीबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर वन पे। अगर आप बुक की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर वहां से भी अपना लर्निंग कर सकते हैं। यहां पर प्रोसेस बस इतना सा है कि आपको समझाया जा सके पर एक एक चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नंबर वन हमारा कहां से रिलेटेड है? होम रो से रिलेटेड है। उसमें हम लोग होम की का डिस्कशन केवल चैप्टर नंबर वन में करेंगे। होम कीज क्या होती हैं? हमारी फिंगर जिन कीज पर सबसे पहली बार रखी जाती हैं कीबोर्ड पर वो हैं होम कीज। हम लोग होम रो पर अपनी फिंगर्स को रखते हैं, लेकिन जिन बटनों पे हम लोग अपनी फिंगर्स को रखते हैं वो हैं हमारी होम कीज। तो हमारा जो स्टैंड है वो कैसा होगा, हम लोग एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बाएं हाथ को सबसे पहले रखने के लिए हमें ए को छोड़ देना होगा और हमारी उंगली कनिष्ठा से शुरू होगी एस से, मतलब जिसे आप छंगुनिया बोलते हो। उसके बाद उसी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपकी तर्जनी अंगूठे के जो बगल वाली उंगली है वो जी पर आएगी। बीच में एच और जे आप छोड़ दोगे, बीच में दो उंगलियों दो कीज का गैप रहेगा। उसके बाद आपकी तर्जनी उंगली के पर आएगी और कनिष्ठा आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पर आएगी, और उसके बाद वन बाय वन इस मैटर को टाइप करना होगा। तो एक बार हम लोग कीबोर्ड में देख लेते हैं कि ये मैटर किस तरीके से टाइप होगा। तो चलिए कर लेते हैं अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस। हम लोग ले चलते हैं आपको एमएस वर्ड पर, वहां इस चैप्टर की हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। अपने हाथों की उंगलियों को होम कीज पर रखेंगे और उसके बाद कनिष्ठा से अपनी मैटर को टाइप करना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कनिष्ठा से ए, मध्यमा अनामिका से का, मध्यमा से छोटी की मात्रा और फिर तर्जनी से हा स्पेस देंगे। फिर कनिष्ठा से आधा शाह, शाह और हेलेंथ यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर या, फिर आपका तर्जनी से मध्यमा से सा और फिर तर्जनी से बड़ा। जैसे ही आप स्पेस दबाओगे जो शाह के साथ हेलेंथ है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैटर को टाइप करना है। ये मैटर कितनी देर आपको टाइप करना है, अकॉर्डिंग टू बुक आपको 5 पेजेस ज़रूर टाइप करने हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे एटलीस्ट इतना ज़रूर टाइप करें कि आपकी कीज फिंगर्स पर लर्न हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें उनकी ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।